मैं हरेंद्र बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। जी हां, आज हम बात करने वाले Lenovo Z6 Pro के एक न्यू लिमिटेड एडिशन के बारे में। तो इस फोन के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इस फोन के थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है हमें रियर में चार कैमरा हमें मिल जाते हैं। 12 GB रैम का भी इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, 256 GB स्टोरेज भी इसके अंदर हमें मिल जाता है, तकरीबन 50,000 रुपये की रेंज के आसपास। और भी काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन है इस फ़ोन के। तो इस फ़ोन का एक नया न्यू एडिशन बना है, इस फ़ोन का फरारी एडिशन, जिसके अंदर जो है रेड कलर का जो ये Lenovo Z6 Pro है, पीछे जो है वो फरारी का लोगो भी दिया गया है, जिसके अंदर एक घोड़ा ऐसे पैर उठाए खड़ा है। और बड़े ही कमाल की बात तो ये है कि काफ़ी सारे फ़ोनों के जो इस तरीके से गाड़ी के बारे में एडिशन जो है निकाले जाते हैं। तो भैया गैस कीजिए, यदि अपना वीवो जो है वो कोई एडिशन निकाले किसी कार पे तो कौन सा निकालेगा, मेरे को लगता है वो स्विफ्ट एडिशन ही निकालेगा। तो ये इस फ़ोन को थोड़ा सा बढ़ाने चलाने के लिए है। फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया, बस लाल कलर किया गया, पीछे फरारी का लोगो लगाया गया। बाकी आप बताइएगा मेरे को ज़रूर, क्या आप ऐसे वेरिएंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना पसंद करेंगे, या फिर आप पीछे जो है दिल्ली में जाके रेड कलर का लेमिनेशन करा के फरारी वाला लोगो खुद ही लगाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो ये था इस फ़ोन का फरारी एडिशन, बिल्कुल निहायती बकवास, लेकिन फ़ोन एक नंबर का है। यदि आप इसके फरारी एडिशन के अंदर नहीं फंसते हैं, सिर्फ Lenovo Z6 Pro लेते हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छा फ़ोन हो सकता है। लेकिन वही फ़ोन के अंदर जो है कमी एक ही है कि फ़ोन को इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं किया गया। देखते हैं कि इंडिया के अंदर आ पाते या नहीं आ पाते, लेकिन मेरे से कई हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं मित्र लोगों ने पूछा था Lenovo Z6 Pro को कैसे खरीदें, तो वो जो है चाइनीज़ वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, या फिर काफ़ी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जिनके थ्रू आप इसे मंगा सकते हैं, वो सेफ़ भी हैं, जैसे JD.com से आप मंगा सकते हैं। वैसे मैं रेफ़र नहीं करता कि किसी भी फ़ोन को इस तरीके से मंगाएं, क्योंकि यदि आप वो फ़ोन यहाँ पर मंगाएंगे उसके ऊपर आपको यदि इंटरनेशनल वारंटी भी मिल जाती है, तो मेरे को नहीं लगता Z6 Pro यदि इंडिया के अंदर Z6 जो है Lenovo Z6 वो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, और तो उसके पार्ट्स हमें इंडिया के अंदर अवेलेबल हो पाएंगे, तो ऐसा तो मेरे को लगता नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए। बाकी यदि खरीदना चाहें तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि इंडिया के अंदर इस फ़ोन को ऑफिशियली लॉन्च किया जाए। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ तो नया देखने को ज़रूर मिला होगा, थोड़ा बहुत तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो को अपने लास्ट तक देखा तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आने की हिम्मत हमें मिलती रहेगी। तो Lenovo Z6 Pro का वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे है, भैया चेकआउट कर लीजिए उसे, जो उसके डिटेल स्पेसिफिकेशन बताए गए हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।